प्रो कबड्डी सीजन 8 में बेंगलुरु बुल्स की क्या स्क्वाड रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी सीजन 8 में बेंगलुरु बुल्स की प्रोबेबल स्क्वाड यानी कि संभावित स्क्वाड। और इस वीडियो में आपके जो जो भी प्लेयर्स का नाम लेने वाला उसके 90% चांस बनते कि वही प्लेयर्स अगले सीजन खेलने वाले। तो गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो आने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और इसी के साथ मैंने पटना पायरेट्स की स्क्वाड की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने पटना पायरेट्स की स्क्वाड वाली वीडियो देखी है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों टोटल 3 कैटेगरीज में बांटी गई है यह स्क्वाड। यहाँ पे पहली कैटेगरी है रेडर्स की, दूसरी कैटेगरी है डिफेंडर्स की, और साथ ही साथ तीसरी कैटेगरी है ऑलराउंडर्स की। तो गाइस यहाँ मैंने स्टेप वाइज एक एक कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे बात करते सबसे पहले कैटेगरी की, तो वो आता है रेडर्स के लेके। तो गाइस यहाँ पे टोटल मैंने 6 रेडर्स सिलेक्ट किए। तो गाइस यहाँ पे बात करते सबसे पहले रेडर की, सबसे पहले रेडर में नाम निकल के आता है रोहित कुमार का। जी हाँ दोस्तों, रोहित कुमार बहुत ही अच्छे रेडर है, साथ ही साथ कैप्टन भी हो सकते हैं अगले सीजन। और इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तो नहीं रही, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि बेंगलुरु बुल्स इतने अच्छे प्लेयर्स को रिलीज करेगी। मुझे लगता है कि रोहित कुमार भी अगले सीजन बेंगलुरु बुल्स के टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गाइस वहीं बात करें दूसरे रेडर की, तो गाइस यहाँ पे दूसरे रेडर में नाम निकल के आता है बंटी का। जी हाँ दोस्तों, बंटी भी अच्छे रेडर है, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी उनका इतना अच्छा नहीं रहा जैसे ओवरऑल रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की जो टीम है वो यहाँ पे एक बार और चांस देगी मतलब कि बंटी को। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बंटी भी अगले सीजन प्रो कबड्डी सीजन 8 में बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गाइस वहीं बात करें तीसरे प्लेयर की, तो गाइस यहाँ पे तीसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है लाल मोहर यादव का। जी हाँ दोस्तों, लाल मोहर यादव भी बहुत ही अच्छे रेडर है। दोस्तों यहाँ पे लाल मोहर यादव का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था सीजन 7, उनका परफॉर्मेंस बहुत डाउन रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिस हिसाब से उनका मतलब कि रेडर है उस हिसाब से परफॉर्मेंस सीजन 8 में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स भी लाल मोहर यादव को रखेगी अगले सीजन में। तो गाइस अब बात करते हैं चौथे रेडर की, तो आज चौथे रेडर में नाम निकल के आता है पवन सहरावत का। जी हाँ दोस्तों, पवन कुमार सहरावत, इनका तो 101% चांस है कि बेंगलुरु बुल्स इनको अपने टीम में रखेगी। क्योंकि दोस्तों पिछले सीजन के टॉप रेडर थे पवन कुमार सहरावत, सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स प्रो कबड्डी सीजन 7 में इन्होंने लिया था। और यहाँ पे ऑफकोर्स प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ कैप्टन भी बन सकते हैं पवन कुमार सहरावत प्रो कबड्डी सीजन 8 में। गाइस यहाँ पे बात करें पांचवें प्लेयर की, दोस्त पांचवें रेडर में नाम निकल के आता है सुमित सिंह का। दोस्तों सुमित सिंह भी बहुत ही अच्छे रेडर है, वहीं पिछले सीजन टीम की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन इनको एक चांस और मिलेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से सुमित सिंह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गाइस ये रही बेंगलुरु बुल्स की रेडर लिस्ट। अब यहाँ पे कौन से नए प्लेयर्स आ सकते हैं बेंगलुरु बुल्स की टीम में, तो गाइस यहाँ पे मैंने नाम रखा है सचिन तनवर का। जी हाँ दोस्तों, सचिन तनवर भी बेंगलुरु बुल्स टारगेट करेगी, सचिन तनवर जैसा रेडर को टारगेट करेगी। अगर सचिन तनवर जैसा रेडर आ जाता तो गाइस यहाँ पे रोहित कुमार हो गए, एक पवन कुमार सहरावत हो गए और एक सचिन तनवर हो गए, यानी कि 3 रेडर की कॉम्बिनेशन, 3 डिफेंडर की कॉम्बिनेशन और 1 ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट टीम हो जाएगी बेंगलुरु बुल्स की। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बेंगलुरु बुल्स की रेडर लिस्ट यानी कि पहला कैटेगरी रेडर्स की मैंने आपको बता दिया, रोहित कुमार, बंटी, लाल मोहर यादव, पवन सहरावत, सुमित सिंह, सचिन तनवर। अब बढ़ते हैं दूसरे कैटेगरी की तरफ। तो गाइस दूसरा कैटेगरी हमारा निकल के आता है डिफेंडर्स को लेकर। तो गाइस यहाँ पे टोटल मैंने 7 डिफेंडर सिलेक्ट किए हैं। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डिफेंडर की, तो गाइस सबसे पहले डिफेंडर में नाम निकल के आता है मोहित सहरावत का। दोस्तों मोहित सहरावत भी बहुत अच्छे डिफेंडर है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा प्रो कबड्डी सीजन 7 में, और यहाँ पे ऑफकोर्स प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। गाइस बात करें दूसरे डिफेंडर की, तो दूसरे डिफेंडर में नाम निकल के आता है विजय कुमार का। जी हाँ दोस्तों, विजय कुमार भी बहुत अच्छे डिफेंडर है, परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा पिछले सीजन, लेकिन प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। गाइस वहीं बात करें तीसरे डिफेंडर की, गाइस तीसरे डिफेंडर में नाम निकल के आता है महेंद्र सिंह का। दोस्तों महेंद्र सिंह भी डिफेंडर है, उनका
परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, बहुत की प्लेयर है बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से। अगर ऑक्शन में एक अच्छे डिफेंडर मिल जाते तो यहाँ पर इनको रिलीज कर सकती है, नहीं तो ज़्यादा चांसेस है कि इनको भी प्रो कबड्डी सीजन 8 में खिलाएगी। गाइस बात करते हैं अगले डिफेंडर को, अगले डिफेंडर पर नाम लिखा जाता है अमन का। दोस्तों अमन भी बहुत है डिफेंडर है, प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से नजर आएंगे। गाइस वहीं बात करें अगले डिफेंडर की, तो अगले डिफेंडर में नाम निकल के आता है सौरभ नंदल का। दोस्तों सौरभ नंदल भी बहुत अच्छे डिफेंडर है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था प्रो कबड्डी सीजन 7 में और प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, मुझे तो यही लगता है। तो मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में भी सौरभ नंदल खेलते हुए नजर आएंगे। गाइस वहीं बात करें कि अगले प्लेयर के, अगले प्लेयर में नाम निकल कर आता है अमित सावरान का। दोस्तों अमित सावरान भी बहुत अच्छे डिफेंडर है, इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि अगले सीजन भी बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गाइस बात करते हैं अगले डिफेंडर की, तो यहाँ पे लास्ट डिफेंडर में नाम निकल कर आता है राजू लाल चौधरी का। दोस्तों राजू लाल चौधरी भी बहुत अच्छे डिफेंडर है, परफॉर्मेंस भी इनका बहुत अच्छा रहा लास्ट सीजन, तो गाइस मुझे लगता है कि ये भी प्रो कबड्डी सीजन 8 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस ये रही बेंगलुरु बुल्स की पूरी डिफेंडर की लिस्ट, आप देख ही लिए, टोटल 7 प्लेयर्स की लिस्ट है। आपको क्या लगता है चेंजेस आप कमेंट करके जरूर बताइए। बेंगलुरु बुल्स के टीम में डिफेंडर्स की बहुत अच्छी संख्या है, बहुत अच्छे डिफेंडर्स है बेंगलुरु बुल्स के टीम में ऑलरेडी, और यहाँ पे ऑक्शन में थोड़े रेडर्स खरीद सकती है, ऑलराउंडर खरीद सकती है, अदरवाइज देखा जाए तो डिफेंडर तो बहुत ही अच्छे बेंगलुरु बुल्स के टीम में ऑलरेडी है। तो गाइस यहाँ पे अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की, तीसरे कैटेगरी में नाम निकल के आता है ऑलराउंडर्स का। तो गाइस ऑलराउंडर्स की अगर बात की जाए तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ऑलराउंडर में नाम निकल के आता है आशीष कुमार का। दोस्तों आशीष कुमार भी ऑलराउंडर है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, रेडिंग में डिफेंडिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स इनको रखेगी प्रो कबड्डी सीजन 8 के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए कौन से नए प्लेयर आ सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया, तो गाइस यहाँ पे वो प्लेयर में नाम निकल के आता है सागर कृष्णा का। दोस्तों सागर कृष्णा लास्ट सीजन पुनेरी पल्टन की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे और मुझे लगता है कि इनको टारगेट करेगी या फिर सागर कृष्णा जैसे ऑलराउंडर को यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम खरीद सकती है। तो गाइस यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से ऑलराउंडर में इतना ही रहेगा, दो ऑलराउंडर आशीष कुमार एंड सागर कृष्णा रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दिया, रेडर्स की कैटेगरी बता दिया, डिफेंडर्स की कैटेगरी बता दिया, यहाँ तक कि ऑलराउंडर की भी कैटेगरी बता दिया। तो गाइस ये रही आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारा चैनल 30,000 सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ गाइस मेरे सेकंड चैनल कबड्डी सुपर फैन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी आपको कबड्डी के कंटेंट बहुत सारी देखने को डेली मिलते रहती है, तो आप जाके सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।